हाय गाइस, आज की वीडियो में हम जानेंगे वेरिएबल म्यूटेशन और टाइप कोअर्जन के बारे में। तो इससे सबसे पहले मल्टी लाइन कमेंट भी देख लेते हैं अपन कैसे करते हैं मल्टी लाइन कमेंट। तो यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश और स्टार, और जहाँ पर आपको कमेंट ख़त्म करना है वहाँ पर स्टार और बैकवर्ड स्लैश। तो ये हो गया मल्टी लाइन कमेंट। अब आते हैं अपन वेरिएबल म्यूटेशन और टाइप कोअर्जन के बारे में। तो यहाँ पर मैं एक कमेंट दे देती हूँ, अपन क्या सीखने वाले हैं वेरिएबल म्यूटेशन एंड टाइप कोअर्जन कोअर्जन। तो यहाँ पर अपन आज के एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं फर्स्ट नेम, और यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ दे दिया रिया, और यहाँ पर एज दे दी, एज इज इक्वल टू 18। और यहाँ पर अपन दोनों को जोड़ कर प्रिंट करते हैं आज। कल तक अपन ने देखा था, या लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था कि सबसे अपन ने सिर्फ फर्स्ट नेम प्रिंट कराया था, एज प्रिंट कराया था अलग अलग। तो यहाँ पर अपन को अगर जोड़ के प्रिंट कराना है एज अ सेंटेंस, लाइक रिया इज 18 ईयर्स ओल्ड, तो वो अपन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम प्लस, तो प्लस एक ऑपरेटर है, वो अपन ऑपरेटर सीखेंगे अलग वीडियो में। तो प्लस, और यहाँ पर ये स्ट्रिंग स्पेस दे दिया, और इज, और यहाँ पर अपन को एज प्लस करना है, एज एज की जगह 18 आ जाएगा, और ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पर इसे अपन एक बार प्रिंट कराते हैं, इसे रिफ्रेश किया ब्राउज़र को, तो आप देखेंगे रिया इज़ 18 ईयर्स ओल्ड। लेकिन एक चीज़, अगर आप अभी कोई दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते तो यहाँ पर एरर आ जाता। एरर क्यों आ जाता? कि आप स्ट्रिंग को नंबर से कॉन्केटिनेट, नंबर के साथ नहीं जोड़ सकते। लेकिन यहाँ पर ऐसा पॉसिबल है। ऐसा पॉसिबल क्यों है? क्योंकि एक जावास्क्रिप्ट का फीचर है, इसे अपन कहते हैं टाइप कोअर्जन। टाइप कोअर्जन मतलब वेरिएबल अपने नीड के अकॉर्डिंग अपने टाइप को चेंज कर लेता है। यहाँ पर वेरिएबल ने देखा, जावास्क्रिप्ट ने देखा कि ये एक नंबर है, लेकिन नंबर को एक स्ट्रिंग के साथ ऐड किया जा रहा है, तो जावास्क्रिप्ट ने इसका टाइप स्ट्रिंग में कर दिया। अब ये एक ऐसा 18 नंबर नहीं है, ये स्ट्रिंग में इस तरह से 18 इस तरह से बदल गया एज अ स्ट्रिंग। तो जब भी जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को नीड होती है तो वो अपने टाइप को बदल लेता है, तो इसे अपन कहते हैं टाइप कोवर्जन। एक एग्जांपल और देखते हैं। तो यहाँ पर अपन ने एक वेरिएबल बनाया इस सिंगल, और यहाँ दे दिया ट्रू। तो यहाँ पर अब अपन इसे प्रिंट कराते हैं, तो आप देखेंगे कि अब कौन सा डेटा टाइप है, एक बूलियन है। तो अपन देखते हैं क्या बूलियन भी अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है क्या स्ट्रिंग में। तो यहाँ पर इज 18 ईयर्स ओल्ड एंड शी इज, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क वाला करते हैं ताकि थोड़ा पता चले, इज सिंगल, और यहाँ पर इस सिंगल को प्रिंट करा देते हैं। तो देखते हैं क्या बूलियन भी इसको कन्वर्ट कर लेगा अपने आप को स्ट्रिंग में, या फिर सिर्फ नंबर ही कर सकता है। तो यहाँ आते हैं ब्राउज़र में, और F5 मैंने दबाया, रिफ्रेश किया, और देखेंगे कि हाँ, बूलियन ने भी अपने आप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। अगर आप देखना चाहती हैं कि इसका टाइप कैसे पता चलता है अपन को, तो यहाँ पर अपन के पास एक ऑपरेटर है जिसका नाम है टाइप ऑफ। टाइप ऑफ बहुत ही काम का है। तो यहाँ पर मैं कमेंट लिख देती हूँ टाइप ऑफ। तो अगर मैं यहाँ प्रिंट कराती हूँ कंसोल डॉट लॉग और टाइप ऑफ किसका देखना है, मान लीजिए फर्स्ट नेम का देखते हैं सबसे पहले, फर्स्ट नेम, और यहाँ पर इसे प्रिंट कराया F5, तो आप देखेंगे स्ट्रिंग। तो फर्स्ट नेम का टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। उसी तरह अगर आप जानना चाहते हैं मतलब कि क्या वाकई में जावास्क्रिप्ट किसी टाइप के वेरिएबल में स्टोर करता है, तो हाँ, ये आप टाइप ऑफ की मदद से देख सकते हैं कि हाँ, फर्स्ट नेम का टाइप स्ट्रिंग है। अगर यहाँ आप फर्स्ट नेम की वैल्यू एक नंबर कर देते हैं, और इसके बाद अगर आप देखते हैं कंसोल डॉट लॉग और टाइप ऑफ फर्स्ट नेम, क्योंकि अब फर्स्ट नेम का टाइप बदल चुका है, अब आपने उसमें एक नंबर स्टोर कर दिया है, तो आप देखेंगे पहले स्ट्रिंग था फिर नंबर हो गया। तो अपन ने देखा था डायनेमिक टाइपिंग का कॉन्सेप्ट लास्ट वीडियो में। डायनेमिक टाइपिंग क्या होती है कि वेरिएबल की वैल्यू देख के जावा स्क्रिप्ट अपने वेरिएबल को उसी टाइप में
कन्वर्ट करता है, जैसे की वैल्यू होती है उसी टाइप का वेरिएबल की वैल्यू में वो स्टोर कर लेता है, उसी टाइप की वेरिएबल हो जाता है। तो यहाँ पर अपन ने देखा टाइप कोअर्जन। टाइप कोअर्जन क्या था कि जब भी वेरिएबल को ज़रूरत पड़ती है अपने टाइप को बदलने में, तो वो अपने आप को चेंज कर लेता है। जैसे एज ने अपने आप को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पर एक एग्जांपल देखें, अगर अपन अपन इस पूरे सेंटेंस का टाइप देखते हैं, टाइप ऑफ, और इसको अपन ब्रैकेट में कर देते हैं, ब्रैकेट में, और इस पूरे स्ट्रिंग का टाइप देखते हैं और इसे यहाँ रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखेंगे स्ट्रिंग अपन ने कौन से लाइन में प्रिंट कराया है, ये 35। तो 35 लाइन में ये स्ट्रिंग टाइप का सेंटेंस हो गया है। तो ये जावा स्क्रिप्ट के बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं। अगर आप अभी कोई और लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते तो आपको शायद ऐसी मेथड यूज़ कर रही हो करनी पड़ती, पार्स स्ट्रिंग, पार्स इंट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो अपन वो सब ओवरहेड से बच जाते हैं जावास्क्रिप्ट में। ये जावास्क्रिप्ट की बहुत ही सारी खासियत है यहाँ पर। तो ये अपन ने देखा टाइप कोर्जन। अब बात करते हैं वेरिएबल म्यूटेशन। वेरिएबल म्यूटेशन जस्ट कुछ नहीं है, एक सिंपल वर्ड आपको अगर बताऊँ म्यूटेशन के बारे में, तो चेंज करना, टू चेंज। तो यहाँ पर अपन जब किसी वेरिएबल की वैल्यू खुद से चेंज करते हैं तो उसे अपन कहते हैं वेरिएबल म्यूटेशन। अगर आप देखें ध्यान से, तो यहाँ पर अपन ने ऑलरेडी वेरिएबल म्यूटेशन कर रखा है। अपन ने फर्स्ट नेम की वैल्यू क्या दी थी, स्ट्रिंग रिया दी थी। ये नहीं कह रही हूँ कि किसी टाइप से दूसरे टाइप में करना, जस्ट वैल्यू चेंज करना। भले आप स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में कर देते हैं, स्ट्रिंग की जगह दूसरा स्ट्रिंग डालते हैं, पर आपने वेरिएबल की वैल्यू म्यूटेट की, चेंज की, तो उसे कहते हैं म्यूटेट करना। तो यहाँ पर अपन ने उसकी वैल्यू बदल कर 89 कर दी और यहाँ पर उसका टाइप भी बदल गया, तो इसे अपन कहते हैं वेरिएबल म्यूटेशन। हो सकता है अगर आपने एज दिया है 18 और अब आप एज कुछ स्ट्रिंग में देना चाहते हैं लाइक 18, तो इसे भी अपन, ये तो वही हुआ ना वेरिएबल म्यूटेशन। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये डायनेमिक टाइपिंग भी है। आपने लास्ट वीडियो के कॉन्सेप्ट में देखा होगा, तो डायनेमिक टाइपिंग मतलब वैल्यू को उसने देखा कि वैल्यू किस टाइप की है, उसी टाइप का वेरिएबल आपका हो जाता है। तो ये बात थी वेरिएबल म्यूटेशन और टाइप कोर्जन के बारे में। और एक चीज़ यहाँ पर देखते हैं अपन, जैसे कि अगर आपने यहाँ पर, सबसे पहले इसे कमेंट कर देती हूँ मैं, और यहाँ पर एक सेंटेंस प्रिंट कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट नेम प्लस इज 18। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रिंट रिया इज 18 सिंपली। तो रिया इज 18, लेकिन आप यहाँ पर अलर्ट भी कर सकते हैं। तो अलर्ट आपने शायद पढ़ा हो देखा हो, तो अलर्ट सिंपली आप इस सेंटेंस को कॉपी कर लीजिए और इसे कमेंट कर देते हैं, और यहाँ पर इसे पेस्ट किया और आते हैं यहाँ पर। तो अपन ने इसे रिफ्रेश किया, तो रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक पॉपअप विंडो पॉपअप शो हो रहा है जिसमें लिखा है रिया इज 18। तो ये भी एक तरीका है नॉर्मली, तो कभी आपको हो सकता है काम पड़े कि आपने कोई पेज दिखाया उससे पहले आपको कुछ वेलकम स्क्रीन दिखानी है या कुछ दिखाना है, तो आप अलर्ट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अलर्ट के अलावा भी यहाँ पर एक चीज़ है जिसमें आप अलर्ट के साथ साथ एक इनपुट फील्ड दे सकते हैं कि आप उससे कोई वैल्यू लेना चाहते हैं उस टाइम पे। तो उसके लिए होता है आपके पास प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट के अंदर अपन कुछ क्वेश्चन देते हैं, आर यू फाइन, और इस जब अपन इससे वैल्यू लेंगे तो अपन को एक वेरिएबल में मिलेगी। अपन को यहाँ पर डिक्लेयर करना है वेर मैसेज, और यहाँ पर अपन लॉग भी कर देते हैं, मतलब प्रिंट भी करा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग एंड मैसेज, और यहाँ पर आते हैं और रिफ्रेश किया। तो रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे यहाँ क्वेश्चन भी पूछ रहा है, साथ में एक इनपुट फील्ड आ रहा है। तो इनपुट फील्ड में अपन दे देते हैं लाइक यस, और यहाँ पर अपन ने ओके किया, तो आप देखेंगे यहाँ यस वैल्यू प्रिंट हो रही है। अगर अपन यहाँ जाएँ और कैंसिल करें, कैंसिल वाला मैंने खुद ट्राई नहीं किया है, कैंसिल करें तो वैल्यू आएगी नल। तो नल अपन ने एक वैल्यू देखी थी, एक डेटा टाइप देखा था, तो नल मतलब
नॉन एग्जिस्टेंस, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसके बारे में अपन आगे भी देखेंगे, लेकिन सिंपली इसका मतलब होता है नॉन एग्जिस्टिंग, जो वैल्यू है ही नहीं। अगर अपन यहाँ सीधे से जाएं और ओके कर दें, तो एक एम्प्टी स्ट्रिंग, ये नल नहीं है, अनडिफाइंड नहीं है, एम्प्टी स्ट्रिंग है ये, मतलब खाली स्ट्रिंग है, पर एक स्ट्रिंग है, वैल्यू है। और यहाँ पर अगर अपन, हो गया तीन ही चीज़ थी, अगर अपन कुछ और भी वैल्यू प्रिंट कराएं तो यहाँ ये प्रिंट हो जाएगी, नंबर प्रिंट कराएं तो नंबर हो जाएगा, बुलियन प्रिंट कराएं कुछ भी यहाँ पर हो जाएगा। तो ये एक तरीका था अलर्ट और प्रॉम्प्ट विंडो क्रिएट करने का, छोटा सा। तो यहाँ पर अपन ने कुछ चीज़ें सीखी, वेरिएबल म्यूटेशन, टाइप कोअर्जन और अलर्ट और प्रॉम्प्ट। तो गाइज, अभी तक की वीडियोस में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि आपका रिप्लाई करूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।